वेलकम, मेरा नाम है शिवम और आज एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ज़रूर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जो आज मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंटरव्यू टिप। एक इंटरव्यू टिप जो मैंने सीखी एंड जो चीज़ इज एपिक, जिस चीज़ ने मुझे इमीजिएटली रिजल्ट दिखाने शुरू किए, इमीजिएटली ज़्यादा कॉल्स आने शुरू हुए, वो है ब्रीफ केस टेक्निक। अब ये टेक्निक मेरी नहीं है, ये टेक्निक है एक बंदा है रमित सेठी, उनका ब्लॉग है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच डॉट कॉम। थोड़ा फंकी सा ब्लॉग लगता है बट बहुत एपिक और बहुत एक हाई लेवल का मिलियन मल्टी मिलियन डॉलर ब्लॉग है उनका। तो ये टेक्निक उसकी है। तो जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आप अप्लाई करते हो, तो अपने कवर लेटर में ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो इंटरव्यू में जाते हो तो अपना बैग लेके जाना साथ, एंड आपके बैग में एक कागज़ होगा या दो कागज़ होंगे प्रिंटेड, उसके ऊपर वो कंपनी को क्या करना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग के लिए या ब्रांडिंग के लिए इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे भी, जब भी मैं क्लाइंट भी ढूंढने जाता हूँ सेम चीज़ अप्लाई होती है एंड फट से हाँ मिलता है। क्यों बताता हूँ रीज़न। आपके कागज़ पे बाहर से, एज इन जब आप बिजनेस के बाहर हो एंड आपको बैकएंड पे क्या चल रहा है पता नहीं है, आप उस टाइम पे व्हाट यू डू इज आप देखते हो कि वो बिजनेस क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है एंड आपके पास उनके क्या सोल्यूशंस हैं, इनको कितना कितना टाइम लगेगा, कितना कितना पैसा लगेगा इन्वेस्ट करने को, तो आप ऑलरेडी सारा काम करके लेके जाते हो। पॉइंट इज कि जब आप वहाँ गए, जनरली क्या है, जब जो बंदा आपको हायर कर रहा है ना उसको एक ट्रेनिंग पीरियड देना है, आपको 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है एंड वो आपको बताएगा ऐसा करो वैसा करो, उनका टाइम वेस्ट होगा, तो ये चीज़ें देखनी है। तो वो लोग क्या देखते हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि इस बंदे को कम से कम कंपनी रिसोर्सेज पे सिखाया जाए, इस बंदे को कम से कम ट्रेनिंग टाइम दिया जाए, क्योंकि ये बंदा स्मार्ट होना चाहिए कि उसको सब चीज़ें खुद रियलाइज़ हो जाए। बट अगर आप अंदर आते हो इंटरव्यू में एंड आपके पास एक कागज़ है जिसपे सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके सोल्यूशन लिखा है जो कंपनी फेस कर रही है, बट आपने ये कंपनी के बैक एंड से पता लगा ली है एंड आप उसको बड़े ड्रामेटिकली अपने बैग में से या ब्रीफ केस में से मूवी की तरह ऐसे निकालते हो, मतलब साइकोलॉजिकल है कि वेट 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 आई हैव समथिंग फॉर यू, एंड आप अपना बैग खोलते हो, धीरे से कागज़ निकालना, धीरे से ऐसा ड्रामेटिक पूरा मूवी सीन की तरह निकाल के उनको ऐसा हाथ में देना, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है क्योंकि उनका ऐसा एनर्जी ऐसे हो जाती है कि क्या 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 दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। वहाँ से आपका इतना चांस, आपने क्या किया, जो हज़ारों और एप्लीकेंट्स हैं एंड जो उन्होंने 10-15 नए इंटरव्यूज बुलाए हैं, उन लोगों से यू सेट योर सेल्फ अपार्ट बिकॉज यू आर द ओनली वन जिसने वो काम करके पहले ही आने से उन लोगों को ये चीज़ दे दी है। अब ये चीज़ आप अपने कवर लेटर में भी कर सकते हो। जनरली जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो एक कवर लेटर का ऑप्शन रहते हैं, 90% लोग कवर लेटर लिखेंगे नहीं क्योंकि वो चीज़ एक एक्स्ट्रा एडेड वो है, मैं भी नहीं लिखता हूँ, सिंपल सी बात। बट तो वो चीज़ में आप कवर लेटर में ये डॉक्यूमेंट डाल सकते हो जब आप अप्लाई करते हो। तो अगर जनरली एक रिज्यूमे पढ़ने में एक एचआर वाला बंदा 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, और 1000 रिज्यूमे हैं, आपको क्या लगता है कि आपका रिज्यूमे किस चीज़ की वजह से हाईलाइट होगा। अब आपका कवर लेटर है जिसमें लिखा है प्रॉब्लम्स योर कंपनी इज फेसिंग एंड माई सोल्यूशंस, उसका टाइटल है ऐसा। अब मुझे बताओ अगर आपका ऐसा उनको एक कवर लेटर आया तो वो लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को, पढ़ेंगे ना, एंड पढ़ेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे भी। ये चीज़ आपको इमीजिएटली बाकी कैंडिडेट से अपार्ट सेट करती है, तो ये चीज़ ज़रूर यूज़ करें। मुझे बताएं आपको इसका इफेक्ट कैसा आया, क्योंकि मेरे लाइफ में इस चीज़ का इफेक्ट बहुत एपिक आया। मैं बस इतना, इतने सारे लोग हैं जो अब मेरे साथ काम करना चाहते हैं छोटी सी चीज़ की वजह से, क्योंकि मैं उनको पहले ही सब चीज़ें बता देता हूँ कि भाई आपके बिजनेस में ये आप चेंज कर सकते हो, ये गलत है। अब उनको पता है कि मैंने रियलाइज़ कर लिया, मतलब आई कैन मैनेज दोज थिंग्स एंड आई कैन डू दोज थिंग्स फॉर देम, तो वो मुझे ऑफर उस हिसाब से आता है। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए एंड फिर मुझे बताएं आपको ये कैसा लगता है। तब तक हम अगले वीडियो में बात करेंगे और डिटेल में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपके पास छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो मुझे यहाँ स्नैपचैट पे ज़रूर ऐड कीजिए, @smartbenology है मेरा स्नैपचैट का ID। एंड हम तब तक के लिए बंद करते हैं वीडियो, अगली बार।